मध्य प्रदेश के में बुधवार को कोरोना का तीसरा पॉजिटिव केस मिला है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये तीनों कोरोना के नए JN1 सब वेरिएंट से संक्रमित है। नार्वे से जबलपुर आई महिला बुधवार को कोरोना संक्रमित पाई गई। इससे पहले इंदौर में कोरोना के 2 मरीजों की पुष्टि हुई थी। फिलहाल प्रदेश में 3 कोरोना के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने JN1 सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये वेरिएंट अब तक के स्ट्रेन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। सरकार की जारी गाइडलाइन में विदेश से लौटे वायरस फीवर के मरीजों की निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी जिलों को संक्रमण को नियंत्रित करने और मरीजों के इलाज के उचित इंतजाम करने को कहा गया है। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल हर क्षण हर सच।